एक मर्तबा एक वली के पास एक शख्स आया, आके बोले अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाओ बोले। तो वो वली क्या बोले मालूम, एक 10-15 कुत्ते पालो उसके बाद मैं सिखाऊंगा बोले। ये 10-15 कुत्ते पाल के अच्छा खिला पिला के पालते रहे। पालने के बाद बोले फिर मेरे पास आना। वाह, ये कुत्तों को पालने से कुत्ते अपने मालिक से इतनी मोहब्बत करने लगे, मालिक कहाँ जाते कुत्ते वहाँ साथ होते हैं। अब ये वली करने आ तो पूरे कुत्ते साथ आए। तो वो वली क्या बोले, खबरदार ये कुत्तों को साथ लाए तो मैं मोहब्बत नहीं सिखाऊंगा, अकेले आना कुत्ते साथ में। अच्छा ठीक है, ऐसा करेंगे, वापिस चले गए। अब ये आ रहे कुत्ते भी साथ, मोहब्बत हो गई है। तो उनको डांट रहे, डिपट रहे, गुस्सा कर रहे, मगर कुत्ते साथ नहीं छोड़ते, फिर भी साथ आए। अब आके बोले हजरत मैं बहुत डांटा बहुत डिपटा, सुन रहे नहीं मेरी बात, छोड़ रहे नहीं पीछा, मैं मजबूरन खामोश बैठ गया। नहीं नहीं, जब तक साथ आएंगे मैं नहीं सिखाने वाला मोहब्बत, बिल्कुल साथ नहीं लाए तो सिखाऊंगा बोले। फिर लग गया अब के तो देख लूंगा बोले। अब कुत्ते आ रहे हैं तो डांट रहे तो नहीं सुन रहे, लकड़ी लेके वो मारे पैर हाथा सब जख्मी हो गए, हड्डियां वो हो गए, इतने मार खा के भी फिर पीछा नहीं छोड़े, फिर साथ। इनको रहम आ गया, वली को मैं जितना करना था कोशिश किया है, फिर आए। फिर आके क्या करे वली को बोले हजरत मैं पूरी कोशिश किया, डांटा डिपटा मारा, पूरे मार खा के भी फिर मेरे साथ ही आ रहा। तो वली बोले कितने दिन पाला है तुमने इनको? 10-12 दिन पाला है, 15 दिन जो भी खाओ बोले। 15 दिन पाले तुमने? 15 दिन तक तुमने पाला है तो वो कुत्ते तुम्हें को इतना चाहने लग गए? रब्बुल आलमीन तो बचपन से अभी तक पालते आ रहा है, सारी जिंदगी वो अता कर रहा है, कम से कम तुम अल्लाह से इतनी तो मोहब्बत करो जितना कुत्ते तुमसे मोहब्बत करते हैं। थोड़े दिन में ये मोहब्बत तो तुम तो जिंदगी अल्लाह की अताओं से गुजारते हो, तो तुम कम से कम इतनी मोहब्बत बोले। अल्लाह की मोहब्बत जरूरी है, इसीलिए हम देखते मोमिनों की कुव्वत भी देखते हैं, उन पर बम भी बरसे अल्लाह की मोहब्बत को नहीं छोड़ते। मजाक भी चल जाए तो देख लेगी दुनिया वो अल्लाह की मोहब्बत छोड़ने वाले नहीं है, वो मिट जाएंगे कर जाएंगे, मगर रब की मोहब्बत नहीं छूटेगी। ये मोहब्बत इलाही है। राम मोमिन को भी अल्लाह ने शान दिया है तो वलियों के ताजदार की मोहब्बत का क्या आलम होगा, समझ सकते हैं।